हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूजन बबल्स। भगवान कृष्ण ने जब देह छोड़ा तो उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनका शरीर तो पांच तत्वों में मिल गया, लेकिन उनका हृदय एक सामान्य जिंदा व्यक्ति की तरह धड़क रहा था और सुरक्षित था। वह आज भी सुरक्षित है, जो भगवान जगन्नाथ जी की काठ की मूर्ति के अंदर रहता है और धड़क रहा है। ये बात बहुत कम ही लोग जानते होंगे, तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही माँ प्रभु के महारहस्यों के बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हर 12 साल में महाप्रभु की मूर्ति को बदला जाता है। उस दिन पूरे पूरी शहर में ब्लैकआउट किया जाता है, यानी कि पूरे शहर की लाइट्स बंद कर दी जाती है। लाइट बंद होने के बाद CRPF के जवान मंदिर को चारों ओर से घेर लेते हैं और उसके बाद कोई भी मंदिर के अंदर नहीं जा सकता। मंदिर के अंदर घना अंधेरा होता है। पुजारी की आंखों में पट्टी होती है और हाथों में ग्लव्स होते हैं। वह मूर्ति के अंदर से ब्रह्म पदार्थ निकालता है और नई मूर्ति के अंदर डाल देता है। ये ब्रह्म पदार्थ क्या है आज तक किसी को नहीं पता, और ये ना ही आज तक किसी ने देखा है। यह हजारों सालों से एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति के अंदर ट्रांसफर किया जा रहा है। इस अलौकिक पदार्थ को छूने मात्र से ही किसी इंसान के चिथड़े उड़ सकते हैं। इस ब्रह्म पदार्थ का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। ये क्या है कोई नहीं जानता। भगवान जगन्नाथ और अन्य प्रतिमाओं को उसी साल बदला जाता है जिस साल में अषाढ़ के 2 महीने आते हैं। 19 साल बाद ये अवसर आया है, और कभी कभार 14 साल में भी ऐसा होता है। इस मौके को हम नव कलेवर कहते हैं। मगर आज तक कोई भी पुजारी यह नहीं बता पाया है कि माँ प्रभु जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर ऐसा क्या है। कुछ पुजारियों का कहना है कि जब हमने उसे हाथ में लिया तो वह खरगोश जैसा उछल रहा था। आंखों में पट्टी थी और हाथों में दस्ताने थे, तो हम सिर्फ उसे महसूस ही कर पाए। आज भी जगन्नाथ यात्रा के उपलक्ष में सोने की झाड़ू से पुरी के राजा खुद झाड़ू लगाने आते हैं। भगवान जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के अंदर पहला कदम रखते ही समुद्र की लहरों की आवाज आना बंद हो जाती है। पर आश्चर्य में डाल देने वाली बात तो यह है कि जैसे ही हम मंदिर से एक कदम बाहर रखेंगे तो हमें समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देने लगेगी। दिन में किसी भी समय भगवान जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई नहीं बनती। आपने ज्यादातर मंदिरों के शिखर पर पक्षी बैठे उड़ते देखे होंगे, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं गुजरता। जगन्नाथ मंदिर का झंडा हमेशा हवा की उल्टी दिशा में रहता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए मिट्टी के 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, जिसे लकड़ी की आग से ही पकाया जाता है। इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान पहले पकता है। इसी तरह भगवान जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है, जिसे हर दिशा से देखने पर उसका मुंह आपकी तरफ ही दिखेगा। सच में गाइस, जगन्नाथ पुरी की इन फैक्ट्स ने तो मुझे अमेज ही कर दिया। ऐसे ही मजेदार फैक्ट जानने के लिए सब्सक्राइब करें फ्यूजन बबल्स को, और इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन फैक्ट का आनंद उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।